हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल माली। दिस वीडियो इज़ अबाउट इंग्लिश एमसीक्यू साल पार्ट टू फॉर पीएसटी एंड जेएसटी टेस्ट प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स हैविंग ऑल वर्ब्स इज ए प्ले राइट पेन, बी इट ड्रिंक प्लेयर, सी प्ले राइट एप्पल, डी कम राइट एंड प्ले। द आंसर इज डी, कम राइट एंड प्ले। दीज आर दी वर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ऑल एडजेक्टिव्स इज ए पेपर, बुक्स, बैग्स, बी पेन, पेंसिल्स, बुक, सी स्ट्रांग, ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल, डी फ्लाई, फुट, टूथ। द आंसर इज सी, स्ट्रांग, ऑनेस्ट, ब्यूटिफुल। दीज आर दी एडजेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 13, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई लाइक योर न्यू बैग इज ए आई डज नॉट लाइक योर न्यू बैग, बी आई एम नॉट लाइक योर न्यू बैग, सी आई डू नॉट लाइक योर न्यू बैग, डी आई डिड नॉट लाइक योर न्यू बैग। द आंसर इज सी, आई डू नॉट लाइक योर न्यू बैग। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंटेंस विथ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज ए इट आल्सो इज ए एरी वेरी, बी इट वेरी इज एरी आल्सो, सी इट आल्सो एरी इज वेरी, सी इट इज आल्सो वेरी एरी। द आंसर इज डी, इट इज आल्सो वेरी एरी। क्वेश्चन 15, चूज द एडजेक्टिव फ्रॉम द फॉलोइंग, ए कॉलेज, बी कॉल्ड, सी ट्रेंड, डी जॉब। द आंसर इज जॉब इज द एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16, द सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ए हुमा लाइक्ड चिप्स, बी हुमा लाइक चिप्स, सी हुमा विल लाइक चिप्स, डी हुमा हैज लाइक्ड चिप्स। द आंसर इज ए हुमा लाइक्ड चिप्स। क्वेश्चन नंबर 17, द यूज ऑफ कैपिटल लेटर फुल स्टॉप एंड कॉमा इज कॉल्ड ए अल्फाबेट, बी पंक्चुएशन, सी वोकैबुलरी, डी डिक्शनरी। द आंसर इज बी, पंक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाउन, मेक, प्ले, राइट आर टेबल। द आंसर इज डी, टेबल। टेबल इज द नाउन। The group of the words which has all parts of body, A forehead, nose, chin, B chair, nose, chin, C finger, arm, table, D eye, ear, pen. The answer is A, forehead, nose, chin. These are the parts of the body. The rhyming word of wrong is A strong, B knight, C slight, डी ब्रादर। द आंसर इज स्ट्रांग। रैमिंग वर्ड ऑफ रॉन्ग इज स्ट्रांग। क्वेश्चन 21, वी बिगेन ए न्यू सेंटेंस विथ ए स्मॉल लेटर, बी कैपिटल लेटर, ए क्वेश्चन मार्क, डी ए कामा। द आंसर इज बी, ए कैपिटल लेटर। वी बिगेन ए न्यू सेंटेंस विथ ए कैपिटल लेटर। लाउर इज ए एडजेक्टिव, बी वर्ब, सी कॉमन नाउन, डी प्रॉपर नाउन। द आंसर इज डी, लाउर इज ए प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ऑल प्रॉपर नाउन इज ए लाहौर, कायदे आजम, कोका कोला, पाकिस्तान, बी सिटी, बर्ड, कराची, ब्लैक, सी आसिफ, ग्लास, टैक्सीला, सऊदी अरेबिया, डी ट्रेन, बुक, शालीमार एक्सप्रेस, क्रिकेट। द आंसर इज ए, लाहौर, कायदे आजम, कोका कोला, पाकिस्तान। दीज ऑल वर्ड्स आर द प्रॉपर नाउन। क्वेश्चन नंबर 24, ए मेल शीप इज कॉल्ड ए गोट, बी रैम, सी मेयर, डी डियर। द आंसर इज बी, रैम।
क्वेश्चन 25, द सेंटेंस विथ करेक्ट कैपिटल लेटर्स इज, ए पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, बी पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, सी पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, डी पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड। द आंसर इज सी, पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड। रीड द सेंटेंस केयरफुली। इन द सेंटेंस ओनली पाकिस्तान इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, इज आवर डियर होमलैंड आर द स्टार्ट विद द इज नॉट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 26, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ऑल वर्ब्स इज, ए राइट लेटर स्टोरी रीड, बी प्ले हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, सी वाटर ड्रिंक ईट ब्रेड, डी लाइक टेल फील लाइव। द आंसर इज डी, लाइक टेल फील लाइव। दीज ऑल आर द वर्ब्स। द करेक्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इज, ए मैन ड्रीम, बी कैन मैन, सी ब्लैक वाइट, डी चेयर टेबल। द आंसर इज बी, कैन मैन। द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज, ए आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, बी आई शैल प्ले फुटबॉल, सी आई हैव प्लेड फुटबॉल, डी आई प्लेड फुटबॉल। द आंसर इज डी, आई प्ले फुटबॉल। दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्वेश्चन नंबर 29, द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज, मिस्टर खान वॉज वॉकिंग, मिस्टर खान इज वॉकिंग, मिस्टर खान वॉक्ड, मिस्टर खान वॉक्स। द आंसर इज बी, मिस्टर खान इज वॉकिंग। दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द मीनिंगफुल सेंटेंस इज, फ्लाई द एयर इन बर्ड्स द, बी द एयर फ्लाई इन द बर्ड, सी द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, डी इन द एयर फ्लाई द बर्ड्स। नाउ द मीनिंगफुल सेंटेंस इज, आंसर इज सी, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। द रैट इज सिटिंग डैश द लाइन, ए इन, बी ऑफ, सी नियर, डी अंडर। द आंसर इज सी, नियर द लाइन। क्वेश्चन नंबर 32, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ऑल सिंगुलर्स इज, लायन, टाइगर, डॉग, फीट, नोज, हेड, मैन, बॉय, गर्ल, पोटेटोज, पीज, कैरोट। द आंसर इज ए, लायन, टाइगर, डॉग्स। दीज ऑल आर द सिंगुलर्स। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ऑल प्लूरल्स इज, स्कूल, हाउसेस, गार्डन्स, बुक्स, पेंसिल्स, बैग, बॉयज, गर्ल, स्टूडेंट्स, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन। द आंसर डी, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, ऑल आर द प्लूरल्स। द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, शी नोज द आंसर इज, शी डिड नॉट नो द आंसर, शी डू नॉट नो द आंसर, शी विल नॉट नो द आंसर, और शी डज नॉट नो द आंसर। द आंसर इज डी, शी डज नॉट नो द आंसर, बिकॉज शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड ऑलवेज डज हेल्पिंग वर्ब्स विथ शी इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो द डी, शी डज नॉट नो द आंसर। द मीनिंगफुल सेंटेंस इज, ए लव्स टू वर्क इन द किचन रूही, बी रूही इन द किचन लव्स टू वर्क, सी रूही लव्स इन द किचन टू द वर्क, एंड डी रूही लव्स टू वर्क इन द किचन। द मीनिंगफुल सेंटेंस इज डी, रूही लव्स टू वर्क इन द किचन। द सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज, ए नजमा सीज ए थर्स्टी क्रो, बी नजमा इज सीइंग ए थर्स्टी क्रो, सी नजमा सा ए थर्स्टी क्रो, डी नजमा विल सी ए थर्स्टी क्रो। द आंसर इज सी, नजमा सा ए थर्स्टी क्रो। द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज, ए सलमा इज राइटिंग लेटर,
बी सलमा रोट ए लेटर, सी सलमा राइट्स ए लेटर, डी सलमा वाज राइटिंग लेटर। द आंसर इज ए, सलमा इज राइटिंग लेटर। दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सेंटेंस इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इज ए, लिटिल बॉय लाइव्ड नियर ए रिवर, बी ए लिटिल बॉय लाइव्स नियर ए रिवर, सी ए लिटिल बॉय विल लाइव नियर ए रिवर, डी ए लिटिल बॉय हैज़ लाइव्ड नियर ए रिवर। द आंसर इज बी, ए लिटिल बॉय लाइव्स नियर ए रिवर। क्वेश्चन नंबर 39, मैच द एडजेक्टिव इस्लामिक विथ ए सूटेबल नाउन। ए रिवर, बी कैलेंडर, सी रिवार्ड, डी मॉर्निंग। द आंसर इज बी कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 40, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई नो इज आई डिड नॉट नो, बी आई डज नॉट नो, सी आई शैल नॉट नो, डी आई डू नॉट नो। द आंसर इज डी, आई डू नॉट नो। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आई डू नॉट नो। रिडल इज एन एलन, ए नाउन, बी वर्ब, सी एडजेक्टिव, डी एडवर्ब। द आंसर इज रिडल इज एलन ए नाउन। द करेक्ट सेट बाय राइमिंग वर्ड्स इज टाल बट, एम प्लेस फेस, क्लिम प्लेस, हैप्पी प्लेस। आंसर इज बी, एम प्लेस फेस। द एप्पल इज डैश द प्लेट एट और इन ऑफ। द आंसर इज इन द प्लेट। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड ए एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस, बी व्हेन अ सेंटेंस इज स्टार्टेड, सी एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डी व्हेन द नेम्स ऑफ टू आर मोर थिंग्स कम्स। द आंसर इज ए एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। ए फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 45, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ ऑल एडजेक्टिव्स इज प्लेयर्स, रूल्स, लूडो, इंडोर। इम्पॉर्टेंट, पॉपुलर, बिजी, हेल्दी। हॉकी, फुटबॉल, पॉपुलर, प्ले। गेम, बिकेम, बिजी, मेट। द आंसर इज बी, इम्पॉर्टेंट, पॉपुलर, बिजी, हेल्दी। द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज डू शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पोक इंग्लिश, डू शी स्पीक्स इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश। द आंसर इज डी, डज शी स्पीक इंग्लिश इज द इंट्रोगेटिव करेक्ट सेंटेंस। द सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ही इज लाइकिंग जाम, ही विल लाइक जाम, ही लाइक्स जाम, ही लाइक्ड जाम। द आंसर इज सी, ही लाइक्स जाम। दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज दे रीड अंडर ए ट्री, दे आर रीडिंग अंडर ए ट्री, दे वर रीडिंग अंडर ए ट्री, दे हैव रीड अंडर ए ट्री। द आंसर इज बी, दे आर रीडिंग अंडर ए ट्री। द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज When do you come back? B. When does you come back? C. When do you coming back? D. When was you coming back? The answer is A. When do you come back? Question 50. The correct translation of वो हमें घर पर पढ़ाती है is she is teaching us at home. She has been teaching us at home. She has taught us at home. She teaches us at home. The answer is D. She teaches us at home. Question 51. The correct translation of मैं अपने वालिद की मदद नहीं कर रहा हूँ
is A. I have not been helping my father. I do not help my father. She, I am not helping my father. D. I have not helped my father. Answer C. I am not helping my father. Question number 52. The correct negative form of the sentence I live in a city is A. I am not living in a city. B. I shall not live in a city. C. I do not live in a city. D. I did not live in a city. The answer is C. I do not live in a city. Question 53. The tense used in the sentence they have taken orange juice is A. Present indefinite tense. B. Present continuous tense. C. Present perfect tense. D. Present perfect continuous tense. The answer is C. Present perfect tense. Because have is the helping verb of present perfect tense. The opposite word of the earth is A. Sky. B. Moon. C. Sun. D. Crescent. The answer is A. Sky is the opposite word of the earth. At the end of every simple statement, we put a capital letter, B. A comma, C. A question mark, D. A full stop. The answer is D. A full stop at the end of the every simple statement. Question 56. The group of the words has all the days of a week. Sunday, Monday, April. May, June, July. C. Friday, Monday, Saturday. D. Monday, Sunday, June. Answer is C. Friday, Monday, Sunday. Question number 57. The correct translation of Urdu sentence Hum school ki vardi pehante hain is We shall wear the school uniform. B. We are wearing the school uniform. C. We wear the school uniform. D. We wore the school uniform. The answer is C. We wear the school uniform. Question 58. Which one of the following is a proper noun? A. Masjid. B. Nagma. C. Table. D. Girl. The answer is B. Nagma. Question 59. The tense in the sentence she has played hockey is A. Present indefinite tense. B. Present continuous tense. C. Present perfect tense. D. Present perfect continuous tense. The answer is C. Present perfect continuous. C. Present perfect tense. Question 60. The correct negative form of the sentence He likes them very much is He did not like them very much. B. He does not like them very much. C. He has not liked them very much. D. He will not like them very much. The answer is He does not like them very much. So B is the correct answer.